सही है जी। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है ट्रेडर सेल्स वर 3 लाख, मार्कअप वॉज 25%, व्हाट वॉज कॉस्ट ऑफ सेल। सेल्स कितनी है 3 लाख और मार्कअप कितना है 25%, हमें बताना है कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आएगी। तो अब इसमें भी यही अप्लाई कर लेता है। अच्छा अब एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखें ज़रा इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ भाई। सेल्स में से अगर आप लेस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल तो आंसर क्या आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे बताएं क्या चीज़ गिवन है, सेल्स गिवन है 3 लाख और सवाल में क्या चीज़ गिवन है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है यार, मार्कअप वो परसेंटेज है जो हम अप्लाई करते हैं किस पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। किस पे अप्लाई करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल पे, तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। बताएं सवाल में कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है या सेल्स गिवन है, सवाल में तो सेल्स गिवन है। सेल्स पे मार्कअप परसेंटेज नहीं लग सकती, सेल्स पे हमेशा लगती है मार्जिन परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, मार्कअप को पहले कन्वर्ट कर लेंगे मार्जिन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे मार्कअप को मार्जिन में, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप। इससे क्या आ जाएगा मार्जिन आ जाएगा। मार्कअप कितना है भाई 25 अपॉन 100 प्लस 25, ये बन जाएगा 125। 25 अपॉन 125 अब सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0.2 या 1/5। 0.2 का क्या मतलब है, 0.2 का मतलब है 20%। यार ये 20% क्या आ चुका, हमारे पास मार्जिन आ गया। अब क्या करना है भाई, अब ग्रॉस प्रॉफिट पे आपको मार्जिन लगाना है 20%। कैसे लगाएंगे भाई, सेल्स है 3 लाख, 3 लाख पे 20% मार्जिन लगा दो। 3 लाख का 20% क्या है 60,000, 3 लाख का 20% 60,000, ये आ गया मार्जिन 3 लाख पे 20%। आओ सेल्स में से हो गया मसला, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो जीपी आ जाता है। हमें तो जीपी चाहिए या कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए। तो अब क्या करें, सेल्स में से जीपी माइनस कर दें कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, तो आ गई 240,000। क्या मतलब, अगर एक चीज़ 3 लाख की हम बेच रहे हैं जिसमें से हमारा प्रॉफिट 60 है तो हमें कितने की पड़ी होगी, हमें पड़ी होगी 240। आंसर क्या बना जी, आंसर बन गया डी। ये हम समझ में आई आपको, हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया। क्यों, क्योंकि सेल्स पे मार्जिन लगता है मार्कअप नहीं लगता। अब इसमें ऑपोजिट भी हो सकता था कि सवाल में मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होती और सवाल में मार्जिन दिया हुआ होता, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे मार्जिन नहीं लग सकता तो मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ता। उसका भी फॉर्मूला देख लें, मार्जिन से अगर मार्कअप में जाना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। सही, मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप और मार्जिन अपॉन 100 माइनस मार्जिन। जब आप फॉर्मूला ये रखेंगे मार्जिन वाला तो आंसर मार्कअप आ जाएगा, और जब फॉर्मूला मार्कअप वाला रखेंगे तो आंसर मार्जिन। भाई देखें एक बार और रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। सेल्स पे हमेशा मार्जिन लगता है और कॉस्ट ऑफ सेल पे हमेशा मार्कअप लगता है। सेल्स पे मार्जिन लगाते हैं तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और कॉस्ट ऑफ सेल पे मार्कअप लगाते हैं तो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जब सेल्स गिवन हो और मार्जिन गिवन हो तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जब कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो और मार्कअप गिवन हो तो भी हम क्या निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम कब आता है, जैसे यहाँ पे सेल्स के साथ मार्जिन के बजाय मार्कअप दिया हुआ था, तो पहले मार्कअप को कन्वर्ट किया मार्जिन में, फॉर्मूला है मार्कअप अपन 100 प्लस मार्कअप। दूसरा प्रॉब्लम कब आएगा, जब कॉस्ट ऑफ सेल गिवन हो सवाल में और मार्जिन गिवन हो, कॉस्ट ऑफ सेल पे मार्जिन नहीं लग सकता तो मार्जिन से मार्कअप में जाने का ये फॉर्मूला। ऐसे याद रखें मार्कअप, अप का मतलब प्लस, सही ना, मार्कअप अपन 100 प्लस मार्कअप अप और मार्जिन 100 माइनस मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 15,